2004 के बाद से आप कंटिन्यूसली पाकिस्तान में इस गेम को प्रमोट करने के लिए कोशिश हैं और पूरे पाकिस्तान में हमारे मुख्तलिफ एसोसिएशन और हमारे क्लब मौजूद हैं। ये जितने भी ममालिक ने फुटबॉल में तरक्की की है उसका बेसिक जितना भी अच्छा खिलाड़ी पैदा हुआ वो फुटसाल से हुआ। फुटसाल एक फुटबॉल के ब्रीडिंग जमीन है। जब तक हमारे मुल्क में बाकायदा इस गेम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता या हमारे यूथ को तैयार नहीं किया जाता तो ये गेम पाकिस्तान में कामयाब नहीं होगा। इसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश भी है। आज ये उसी का एक हिस्सा है, इस हम गेम को देख रहे हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे इवेंट्स सालाना शेड्यूल के मुताबिक जारी है। पूरे पाकिस्तान में कराची में भी हमारा इवेंट हुआ है, अभी रिसेंटली मनु में भी हुआ है। आज मैं यहाँ तहसील आया हूँ तो हमें ये देख कर खुशी है कि यहाँ पे 32 टीमों ने हिस्सा लिया है और वो उनका पोटेंशियल देख के दूर दूर से मिलाई टीमें आके और अनकरीब इसी किस्म का एक इवेंट हम मेगा इवेंट जो है ना पाकिस्तान में शुरू करने लगे हैं। इधर ये इस्लामाबाद में या किसी जिला हेडक्वार्टर पे होगा, प्रेसिडेंट साहब अपने शेड्यूल में बताएंगे। और इस साल मार्च और मई में इंटरनेशनल इवेंट्स आ रहे हैं, जैसे मोस्ट प्रोबेबली इटालिया हो गया और बांग्लादेश हो गया और एक दो और ममालिक भी हैं जिन्होंने हमें इन्विटेशन भेजी है। ये उसी की कड़ी हम ये टीम जो तैयार कर रहे हैं इनमें से पोटेंशियल और अच्छे खिलाड़ी सिलेक्शन बोर्ड के जरिए करेंगे और इंशाल्लाह हम उस इंटरनेशनल इवेंट में भी पाकिस्तान के नुमाइंद के लिए टीम लेके जाएंगे। थैंक यू सर। सेंटर पर दफा कमी।